प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर घूसकांड में फिर एक बार बुधवार को गुप्त तरीके से शहर के 3 प्रमुख लोगों पर छापेमारी की और बड़ी संख्या में कागजात जब्त की। एक स्थान से नकदी जब्त करने की भी खबर है। सुबह शुरू हुई कार्रवाई देर रात तक जारी थी। कार्रवाई में वर्धमान नगर स्थित प्रमुख कोयला कारोबारी डी अग्रवाल, अजनी एवं रामदास पेट स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट पर भी कार्रवाई होने की जानकारी है। सूत्रों ने बताया कि मुंबई की टीम सुबह ही पहुंची और तीनों स्थानों पर कार्रवाई शुरू कर दी। कोयला कारोबारी अग्रवाल के यहां पर सबसे पहले कार्रवाई की गई। इसके बाद बी पंजवानी और बाहेती के यहां पर धावा बोला गया। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बड़ी नकदी जब्त होने की जानकारी आई है। दिल्ली कार्यालय के निर्देश पर मुंबई की टीम इस मामले को आगे बढ़ा रही है। मुंबई की टीम स्थानीय अधिकारियों को विश्वास में लेकर सुनवाई को अंजाम दे रही है। ईडी को शक है कि पूर्व गृह मंत्री देशमुख का निवेश इन लोगों के जरिए भी किया गया है। पैसों को इस प्रकार से लगाया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो सकता है, इसलिए कागजातों का मिलान किया जा रहा है। परमबीर सिंह ने देशमुख पर 100 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ईडी पिक्चर में आई थी और आर्थिक लेनदेन की खोजबीन शुरू की गई थी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN News, नागपुर।